आपकी जान बचाने वाले को आप क्या दोगे? ये कहानी एक गरीब किसान की है। उसका नाम फ्लेमिंग था। एक दिन फ्लेमिंग खेत में काम कर रहा था, तभी उसने किसी को मदद के लिए पुकारते हुए सुना। सारे औजार फेंक कर वो तुरंत मदद के लिए दौड़ा। आवाज पास के दलदल से आ रही थी। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि एक लड़का अपने सीने तक दलदल में फंसा हुआ है। बड़ी मेहनत से फ्लेमिंग ने उसे तुरंत दलदल से बाहर निकाला। अगर समय पर उस लड़के को मदद नहीं मिलती तो वो लड़का उस आपदा में मर जाता। फ्लेमिंग की वजह से उस लड़के की जान बच गई। अगले दिन फ्लेमिंग के दरवाजे पर एक भारी भरकम घोड़ा गाड़ी आकर खड़ी हो गई। उस घोड़ा गाड़ी से एक सज्जन उतरे। उन्होंने बताया कि वो उस लड़के के पिता हैं, जिस लड़के की जान फ्लेमिंग ने बचाई थी। आपने मेरे बेटे की जान बचाई है, मैं इसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपके इस उपकार को वापिस करना चाहता हूँ, ऐसा उस अमीर सज्जन ने कहा। मेरा कोई एहसान नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था, फ्लेमिंग ने जवाब दिया। तभी फ्लेमिंग का बेटा दरवाजे के पास आया। क्या ये आपका बेटा है? उस सज्जन ने पूछा। फ्लेमिंग ने हाँ में जवाब दिया। तो चलिए निर्णय लेते हैं कि आपका बेटा मेरे खर्च पर मेरे बेटे के साथ पढ़ेगा। अगर वो बड़ा होकर आपकी तरह बना तो हम दोनों को ही अभिमान होगा। फ्लेमिंग सज्जन की बात से सहमत हो गया। फ्लेमिंग के बेटे को लंदन के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका मिला। उसने मेडिकल की पढ़ाई पास की और आगे चल के किसान का ये बेटा वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम से जाना गया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की और विज्ञान की दुनिया में एक नई क्रांति लाई। पेनिसिलिन नए जमाने का एंटीबायोटिक था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को 1945 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। आगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के पिता ने जिस लड़के को बचाया था उसे निमोनिया हो गया और पेनिसिलिन होने के कारण ही वो ठीक भी हुआ। दोस्तों, प्रकृति का यही नियम है, जो आप दुनिया को दोगे वही आपके पास लौट के आएगा। इसीलिए कभी किसी की मदद करने से पीछे ना हटे। आप जरूरतमंद लोगों की मदद कीजिए, ऊपर वाला आपकी समस्या में आपसे आगे खड़ा होगा। अगर आप दूसरों के जीवन को बेटर बनाते हैं तो आपका जीवन अपने आप बेटर बनता जाएगा। जिंदगी आपको देती नहीं, लौटाती है। जो आप जिंदगी को दोगे वही जिंदगी आपको लौटाएगी, कई गुना बड़े रूप में। जो आप अपनी जिंदगी में इन्वेस्ट करोगे वही आपको मिलेगा, इंटरेस्ट के साथ। अब आप अपनी जिंदगी में अच्छाई की इन्वेस्टमेंट करते हैं या बुराई की, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा है तो वीडियो को शेयर कीजिए। मैं हूं अविनाश और आप देख रहे थे स्मार्ट बुक्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।